हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो है हमारा यूरिक एसिड के बारे में। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमें जॉइंट से रिलेटेड इश्यू शुरू होने लग जाते हैं। तब हमें लगता है कि हमारा जो यूरिक एसिड है बॉडी में वो बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खाना बंद कर देते हैं, जैसे कि पनीर है, लेग्यूम्स हैं, हमारी पल्सिस हैं, हमारी दालें, हमारे राजमा, ठीक है, उनको खाना बंद कर देते हैं। बेसिकली प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। बट प्रोटीन का हमारे यूरिक एसिड से कोई लिंक नहीं होता है। यूरिक एसिड जो हमारा होता है उसका लिंक होता है प्यूरिन से। प्यूरिन एक ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी में जो कि हमारा 70% बनता है बॉडी के टिश्यू से, एंड जो 30% है वो बनता है डाइट से। तो हमने क्या करना है, हमने वो वाली आइटम्स को, वो वाले फूड्स को खाना हमने बंद करना है जिनमें प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारी जो किडनी होती है, किडनी का हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट को, बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, हमारी किडनी का मेन फंक्शन होता है। एंड जो हमारी किडनी है, जो हमारा प्यूरिन है वो ब्रेक डाउन होता है डेली बेसिस पे, वो ब्रेक डाउन होता है यूरिक एसिड में। प्यूरिन हमारा ब्रेक डाउन होता है यूरिक एसिड में और किडनी उसे बाहर फ्लश आउट कर देती है। अगर आपकी किडनी कुछ रीज़न से डिस्टर्ब चल रही है या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो किडनी है जब उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या जो फ्लश आउट करती है जो वो यूरिक एसिड को, वो नहीं कर पाएगी, ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगी। और उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो डेली बेसिस पे बाहर नहीं निकल रहा। अगर वो बाहर निकलेगा तो वो सही चलेगी बॉडी, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी कुछ रीजंस की वजह से अफेक्ट हो चुकी है जिसके कारण जो हमारा प्यूरिन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा और एज एन यूरिन यूरिक एसिड वो बाहर नहीं निकल पा रहा हमारी बॉडी से, किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही। तो हमें इसके लिए एक तो हमें जिसमें ऐसे फूड आइटम्स जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है उनको खाना बंद करना पड़ेगा, और दूसरा हमें किडनी के को सही करने के लिए, किडनी के फंक्शन को सही करने के लिए किडनी पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप अपनी किडनी को सही रखेंगे तो आपका जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो किडनी को सही रखने के लिए आपको एक तो अपना लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा। जो आप लोग जंक अगर खा रहे हैं, रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, मैदा, बेकरी के आइटम्स, कुछ भी आप अगर रिफाइंड खा रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। ईटिंग ऑफ विंडो को सही करना पड़ेगा। घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, बॉडी को और अपनी किडनी को डिटॉक्स रखिए तो आपकी किडनी सही रहेगी। और किडनी जब सही रहती है तो हमारा प्यूरिन का ब्रेकडाउन होगा और वो यूरिक एसिड के फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। बट वो होता क्या है, किडनी हमारी सही नहीं है और यूरिक एसिड हमारा बढ़े जा रहा है बॉडी में और हम लोग प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। प्रोटीन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या करना है, बेसिकली वो वाली चीज़ें जिनमें प्यूरिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि हमारे मटर होते हैं। अब तो विंटर्स शुरू होने वाली हैं तो हमारे मटर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो हमें अपने मटर पीस, जो ग्रीन मटर आते हैं, वो नहीं खाने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो बीन्स होती हैं, बीन्स हमने नहीं खानी है। एंड हमारी जो स्पिनच होती है, हमने स्पिनच नहीं खानी है। और मशरूम हम लोग मटर मशरूम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं विंटर्स में, तो हमें मशरूम को भी अवॉइड करना है। तो हमारे मटर हो गए, हमारे बीन्स हो गए, हमारे मशरूम हो गए और पानी हमारी स्पिनच हो गई। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो रिच इन प्यूरिन्स होती हैं, तो हमें इन चीज़ों को खाना बिल्कुल बंद करना है। उसके अलावा आपने चेक करना है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में आ जाता है तो भी आपको यूरिक एसिड रिलेटेड इशू आ जाते हैं, ये आप अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी तरीके की बीमारी हो, चाहे आपको हाई बीपी हो, चाहे आपको थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, चाहे आपको अपना शुगर का इशू हो, डायबिटीज़ हो, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी डिजीज़ होती है तो ये भी हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर आपको ये हैं तो आपको इनके रिगार्डिंग भी डाइट करनी चाहिए,
अगर आप मेडिकेशन के साथ साथ आपको डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, तो इन चीजों, अगर आपको डिजीज है तो आपको उसको भी क्योर करना चाहिए, तब आपकी जो किडनी है वो सही रहेगी। क्योंकि जो डिजीज होती है वो हमारी किडनी के वर्क को इफेक्ट करती हैं, और अगर किडनी का वर्क इफेक्ट होगा तो हमारी जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसके साथ ही मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ, ऐसी होम रेमेडीज जिसको आप अपने थायराइड में, सॉरी थायराइड में नहीं, यूरिक एसिड में आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उन सब चीजों से आपके यूरिक एसिड को ठीक होने में हेल्प मिलेगी और आपकी किडनी को भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। सो नंबर वन पे हमारा आता है एप्पल साइडर विनेगर, ACV। अगर आपको जॉइंट्स का इश्यू होता है किसी भी तरीके, जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो हमारे जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है, तो जॉइंट्स पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है हमारा एप्पल साइडर विनेगर। आप कोई भी नेचुरल जो भी हमारे विनेगर होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर होता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको आप 2 ml से लेकर 5 ml तक, 2 ml to 5 ml तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको लंच करने से आधा घंटा पौना घंटा पहले कंज्यूम कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी आप उसको सुबह उठ के कंज्यूम कर सकते हैं, वाटर में डालिए, उसको डाइल्यूट कीजिए एंड आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। वो भी आपकी जॉइंट्स पेन में रिलीफ देता है। और सेकंड नंबर पे हमारा आता है, और वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने में हेल्प करता है। बेसिकली हमने बॉडी को एल्कलाइन ही रखना है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा लेमन जूस। लेमन का आपने इंटेक रखना है, लंच से पहले भी कर सकते हो, लंच के बाद भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, लेमन भी एक एल्कलाइन होता है, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। उसके बाद हमारी बेरीज होती हैं, जो हमारे यहाँ पे सीजनल बेरीज मिलते हैं, आप उनको जब भी सीजन में हो आप उनको खाइए, अदरवाइज आप उनको ड्राई जो फॉर्म में आपको मिलती हैं आप उन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा होता है हमारा बार्ले वाटर, जो होता है, आप उसको रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं, सुबह उसको हाफ तक बॉईल कीजिए और उसको आप मतलब मॉर्निंग में उठ के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी आपके किडनी फंक्शन के लिए और आपके यूरिक एसिड के लिए काफी फायदेमंद होता है। उसके बाद हमारा आता है धनिया सीड का पानी, जो कोरिएंडर के हमारे सीड होते हैं, ग्रीन वाला कोरिएंडर नहीं, जो सीड्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमने उनको भी रात को पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद उसको सुबह उठ के बॉयल करके पीना है। आप उसको हाफ तक बॉयल कीजिए, उसके बाद उसको कंज्यूम कीजिए। उसके बाद हमारा पपाया जो होता है, पपाया का सलाद आप खा सकते हैं, पपाया को एज सच भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी आपके यूरिक एसिड के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा हमारे करी लीव्स होते हैं, करी का जो पत्ता होता है आप उसको च्यू कर सकते हैं, सुबह उठ के 2-3 पत्ते आप उसको च्यू कर सकते हैं, उसका पानी में उसको उबाल के आप पी सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करता है, यूरिक एसिड को ठीक करने में हेल्प करता है। एंड उसके अलावा करी जो लीव्स होते हैं वो तो आपकी स्किन एंड हेयर के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। उसके अलावा हमारे हमारे होते हैं सैरली की सीड्स होते हैं, वो भी अजवाइन जैसे ही होते हैं। अगर वो आपको मिलते हैं तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, अगर वो ना मिले तो आप उसकी जगह अजवाइन वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारी होती है, जो लोग जिम जाते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम कीजिए। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं और जो हमारे हमारा जो यूरिक एसिड होता है, जो हमारी प्यूरिन होती है, वो 70% बन रहा है बॉडी के टिश्यू से, तो उससे क्या होगा, वो उसमें और भी ज्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। तो जब तक आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम कीजिए। तो ये कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप यूरिक एसिड में, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिजीज है तो आप उसके लिए डाइट्स का यूज कर सकते हैं, मेडिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो साथ में डाइट भी कीजिए ताकि वो जड़ से खत्म हो जाए। तो आज का वीडियो था यूरिक एसिड के बारे में, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और कुछ अपने लिए अच्छा कंटेंट लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।